गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूनिट फाइव सरफेस केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर हम कोलाइड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थॉमस ग्राहम 1861 में उन्होंने स्टडी करा रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू पाचमेंट मेमब्रेन और एनिमल मेम्बरेन और उनके रिजल्ट से उनके एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया कि उन्होंने सब्सटेंसेस को दो क्लासेस में डिवाइड किया क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स जो सब्सटेंसेस हैं लाइक कॉमन सॉल्ट हो गया शुगर यूरिया जो कि ऑप्टेंड होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और इन द डिजोल्व स्टेट में जो कि डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू पाचमेंट मेम्ब्रेन उन्हें हम क्या कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स और जो सब्सटेंसेस जैसे स्टार्च गम ग्लू जेलेटन एल्ब्यूमिन जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में और इन द स्टेट दे डो नॉट दे डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज करते भी है तो वेरी स्लो रेट में होते हैं थ्रू पाचमेन मेम्ब्रेन दे व गिवन द नेम कोलाइड्स तो जो सॉल्यूशंस जो है वो फॉर्म बाय क्रिस्टलॉइड्स उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और जो सॉल्यूशंस कोलाइड से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन तो ग्राहम्स क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेज इन टू क्रिस्टेलॉइड एंड कोलाइड्स वॉज सून प्रूव टू बी रॉन्ग अ क्रिस्टलॉइड वॉज फाउंड टू बिहेव एज अ कोलॉयड अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस एंड वाइस वर्सा जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है वो बिहेव करता है एज अ क्रिस्टेलॉइड जब डिजोल्व करते हैं हम वाटर में और बिहेव करता है एज अ कोलॉइड जब हम डिजोल्व करते हैं बेंजीन में नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ट्रू सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टी नेचर ट्रू सोल्यूशन होमोजेनस होता है कोलाइडल सोल्यूशन हिट्रोजिनस होता है और सस्पेंशन क्या होता है हाइट्रोजिनस इन नेचर होता है पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन टेन क्यूआई माइनस नाइन मीटर और लेस देन वन नैनोमीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज है बिटवीन टेन क्यूआई माइनस नाइन टू टेन क्यूआई माइनस सिक्स मीटर और वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज मोर दैन टन क्यूआई माइनस सिक्स मीटर और थाउजेंड नैनोमीटर फिल्ट्रेबिलिटी अब हम देखें तो ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाता है थ्रू फिल्टर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन से कोलाइडल सोल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेकिन नॉट थ्रू एनिमल मेमरेन और सस्पेंशन ना तो डो नाट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एनिमल मेमरेन नेक्स्ट डिफरेंस है प्रॉपर्टी सेटिंग सेटलिंग डो नॉट सेटल थ्रू सोल्यूशन सेटल नहीं होता स्टेबल होता है क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन डो नॉटे सेटल और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है सेटल ऑन स्टैंडिंग विजिबिलिटी ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स जो होते हैं इनविजिबल होते हैं कोलाइटल सोल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सस्पेंशन पार्टिकल्स जो हैं विजिबल टू नेकेड और अंडर अ माइक्रोस्कोप डिफ्यूजन प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ट्रू सोल्यूशन डिफ्यूज हो जाते हैं क्विकली कोलाइटल सोल्यूशन डिफ्यूज होते हैं स्लोली और सस्पेंशन दे डू नॉट डिफ्यूज अपियरेंस में अगर हम देखें तो ट्रू सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट होते हैं और सस्पेंशन ओपेक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम अगर हम देखें तो डिस्पर्स फेस क्या होता है कोलाइडल सिस्टम में टर्म जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द टर्म्स यानी सॉल्यूट को हमने क्या कहा डिस्पर्स फेस और सॉल्वेंट को हमने क्या कहा डिस्पर्जन मीडियम तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम कैन क्लासीफ दस डिस्पर्स फेस मीन्स द सब्सटेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो मीडियम है जहाँ पे सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सिस्टम को जो हमें ऑप्टेन हुआ उसको हम कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं या फिर सिंपली कोलाइड भी कहते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम क्लासीफिकेशन करें कोलाइड्स के सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम नेम और एग्जाम्पल डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो नेम क्या हो जाएगा सॉलिड सोल जैसे एग्जाम्पल्स सम कलर्ड ग्लासेस डिस्पर्स फेस जब सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है यानी सॉल्वेंट क्या लिक्विड है और सॉल्यूट क्या सॉलिड है तो नेम क्या हो गया सोल सम पेंट्स या मडी वाटर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है यानी गैस क्या है सॉलवेंट है और सॉल्यूड क्या है सॉलिड है तो नेम क्या एरोसोल हो, हो गया जैसे एग्जाम्पल स्मोक डस्ट डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है सॉलिड है तो नेम क्या हो गया जेल एग्जाम्पल चीज बटर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जब दोनों लिक्विड है तो हमारा नेम क्या हो गया कोलाइट का इमल्शन मिल्क हेयर क्रीम डिस्पर्स फेस जब लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो नेम क्या हो गया एरोसोल जैसे फॉग मिस क्लाउड डिस्पर्स फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो नेम क्या हो गया सॉलिड फोम जैसे प्यूमे स्टोन फोम रबर डिस्पर्स फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो नेम क्या हो गया फॉर्म फ्रोथ हो गया सोप लेथर